Dear students, good morning and Jai Hind. Children, in the last class, we have discussed about invertebrates. And today, we shall finish the vertebrates because you know that on 4th, 5th, 6th and 7th of August, ये 4 अगस्त के दिन में 4, 5, 6 और 7 अगस्त को हम लोग ये पूरा यूनिट टेस्ट 2 का सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं बच्चों. तो हम लोगों ने कल 4 तारीख के क्लास में हम लोगों ने देखा था इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, पोरिफेरा से लेके और इकाइनोडर्मेट्स तक हम लोगों ने पढ़ा. और अब बारी है आज वर्टिब्रेट्स को पढ़ने की. लेट अस डिस्कस अबाउट वर्टिब्रेट्स. नाउ यू आर सीइंग द चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स. इन फैक्ट वर्टिब्रेटा आर कार्डेटा दैट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स व्हिच आर इग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ जॉस. जॉस के आधार पर बच्चों ये दो भागों में बटे हुए हैं, इग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, दो भागों में बटे हुए नजर आ रहे हैं आपको. और अगर लैग जा नहीं है तो इग्नेथा, और अगर बियर जा प्रेजेंट है तो नेथोस्टोमेटा. और इग्नेथा के अंदर आपने यहाँ पे क्लास देखा था साइक्लोस्टोमेटा. ये साइक्लोस्टोमेट्स बच्चों जो कि इनके पास जॉज नहीं थे जिसकी वजह से सर्कुलर माउथ था. हैगफिश आपने पढ़ा था अगर याद हो, पेट्रोमाइजान मिग्जिन इसका एग्जांपल. ये साइक्लोस्टोमेट्स जो कि मेरीन हैबिटेट से फ्रेश हैबिटेट में जाते हैं स्पॉनिंग करने के लिए और लौटते समय यूजुअली दे डाई ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द हैबिटेट. तो यह क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कौन से ग्रुप के मेंबर्स स्पॉनिंग के लिए एगलिंग के लिए अपना हैबिटेट चेंज करते हैं और लौट के आते समय यूजुअली मर भी जाते हैं. दैट इज साइक्लोस्टोमेटा एंड दे आर बेसिकली द पैरासाइट्स and they live on the belly of the larger marine fishes in fact, and they depend on the larger fishes for their nutritional requirement. Now see here, the gnathostomata are divided into two divisions in fact you can say, that is super class fishes and tetrapoda. Super class fishes that consists of two groups, two classes in fact, which are chondrichthyes and osteichthyes. हम लोगों ने देखा भी था कि कॉन्ड्रिक्थाइस कार्टिलेजनस फिश होते हैं, इनमें कार्टिलेजनस स्केलेटन होता है, और जबकि ऑस्टिकथाइस बोले तो बोनी फिश. और यहाँ पर बच्चों टेट्रापोडा में हम लोगों ने 4 अलग अलग क्लासेस देखा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया. और हर एक क्लास में हमें इवोल्यूशन नजर आ रहा था जो कि स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन है, वो बराबर हर क्लास में हमें नजर आया. नाउ सी हियर, एक्चुअली इग्नेथा से भी पहले, इग्नेथा और नेथोस्टोमेटा से भी पहले बच्चों अगर स्कल के बेसिस पे वर्टिब्रेट्स को बात करें तो स्कल के बेसिस पे इनको दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा. तो जो एक्रेनिएटा होते हैं जिनमें स्कल एब्सेंट होता है उनके तीन क्लासेस हैं, इनफैक्ट तीन फाइलम्स हैं, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा. तो हेमिकार्डेटा बच्चों याद होगा आपको बैलेनोग्लोसस हम लोगों ने पढ़ा था हेमिकार्डेट्स, क्योंकि इनको पहले हम लोगों ने कार्डेटा में ही रखा था, लेकिन बाद में यह पता चला कि नोटोकार्ड्स इनमें लाइफ की किसी भी फेज में नहीं पाया जाता है. एंड देन इट हैज बीन पुट एज द सेपरेट फाइलम अंडर डिवीजन इनवर्टिब्रेट्स एज हेमिकार्डेटा. यहाँ पर बैलेनोग्लोसस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. क्वेश्चन पूछता है प्रोबोस्किस, प्रोबोस्किस एक्सक्रीटरी पार्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में अक्सर करके पूछा जाता है बच्चों. तो प्रोबोस्किस इसका एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो बेलेनोग्लोसस या सेकोग्लोसस के बाद हम लोगों ने हार्डमानिया भी देखा था बच्चों, यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल है. लार्वल टेल में, लार्वल टेल में यहाँ पर नोटोकार्ड पाया जाता है, और जबकि ये एम्फीऑक्सस देख रहे हैं आप थ्रू आउट द लाइफ नोटोकार्ड प्रेजेंट है, ये सिफेलोकार्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है. इसीलिए बच्चों सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा को मिलाकर प्रोटोकार्डेटा कहा गया था. देखिए हम लोगों ने पढ़ा भी था प्रोटोकार्ड लिटरली मीन्स द फर्स्ट कार्डेट्स, पहले कार्डेट्स होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर हार्डमानिया जो दिख रहे हैं आप इसके लार्वल टेल में, और जबकि एम्फीऑक्सस में थ्रू आउट द लाइफ नोटोकार्ड परसिस्टेंट करता है, इसीलिए इनको प्रोटोकार्डेट्स कहा जाता है बच्चों. प्रोटोकार्डेट्स देख रहे हैं आप और साइक्लोस्टोमेटा सुपर क्लास पीसेस. नाउ कम टू द सुपर क्लास पीसेस. सुपर क्लास पीसेस को हम लोग जानते हैं दो क्लासेस में बांटा जाता है, कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्टिकथाइस. कॉन्ड्रिक्थाइस ये कार्टिलेजनस फिश है बच्चों, इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजनस टिश्यू का बना होता है. ये बेसिकली लेदरी स्किन होता है, स्केल्स बहुत हार्ड होते हैं, डर्मल डेंटिकल्स का काम करते हैं बेसिकली,
इसको प्लेक्वाइड स्केल कहा जाता है, प्लेक्वाइड स्केल। ओके, और रेस्ट्रिक्टेड नोटो कार्ड है, देख रहे हैं आप, नोटो कार्ड है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है लेकिन गिल्स आर विदाउट अपर कुलम, वहां पर अपर कुलम या कैप या ढक्कन या कवरिंग नहीं होती है। गिल्स स्लिट्स ओपन होते हैं जो है, और यहाँ पर देख रहे हैं मेल क्लैस्पर्स भी पाए जाते हैं कंपलेटरी ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन के लिए, और एग्स विद लार्ज योग। यहाँ पर एग्स विद लार्ज योग, बच्चों ये कॉन्ट्रिक थाइस जो है इनके अंदर एयर ब्लैडर्स नहीं पाए जाते हैं। That's why they have to swim constantly to avoid sinking. डूबने से बचने के लिए आपको पता है कि जब तक कि कोई लार्जर फिश ना आ जाए जिसकी बेली पे ये रुक जाए, या कोई रॉक्स ना आ जाए, आइलैंड ना आ जाए, तब तक ये लगातार स्विम करते रहते हैं टू अवॉइड सिंकिंग, बिकॉज दे डोंट हैव एयर ब्लैडर्स। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है नो स्विम ब्लैडर्स, स्विम ब्लैडर्स या एयर ब्लैडर्स नहीं पाए जाते हैं, और इनके कार्टिलेजिनस स्केलेटन होते हैं, यह खास बात इनकी। और जबकि दूसरे क्लास को आपने जो ऑस्टिक थाइस देखा था वो बोनी फिश है, यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि कॉन्ड्रिक थाइस जो है यार कंप्लीटली मेरीन या मेरीन है, और जबकि ऑस्टिक थाइस फ्रेश वाटर में मेरीन में दोनों जगह पर पाए जाते हैं और यह एडिबल भी होते हैं, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस हार्ड स्किन होने के कारण एडिबल नहीं होते हैं। बच्चों ऑस्टिक थाइस आप जानते हैं लेबियो रोहिता रोहू फिश या बोनी फिश होते हैं, इनको बोनी फिश कहा जाता है, डाइवर्स टैक्सोनॉमिक ग्रुप है फिश का। दे हैव स्केलेटन प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ बोन्स, इनमें बोन का पहली बार यहाँ पर आता है, तो इसलिए जो है इनको बोनी फिश टेट्रापोडा में बोनी फिश वाले कंडीशन ये आते हैं। आप जानते हैं एक ही अकेला ये एपोडा है, बाकी दो चार टेट्रापोडा है, तो यह बोनी एंडो स्केलेटन इसका होता है। गिल्स यहाँ पर प्रोटेक्टेड बाई एन अपर कुलम, ध्यान दीजिएगा अभी आपको इवोल्यूशन नजर आ रहा है। कॉन्ड्रिक थाइस में आपने देखा था कि एयर ब्लैडर्स नहीं पाए जाते हैं, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग अंटिल दे हैव गॉट द पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम, बट हियर यू आर सीइंग द ऑस्टिक थाइस, दे हैव एयर ब्लैडर्स, दैट्स व्हाई दे स्विम अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, अकॉर्डिंग टू देयर विल, अकॉर्डिंग टू देयर नीड और रिक्वायरमेंट। एंड गिल्स आर प्रोटेक्टेड बाई अपर कुलम, यहाँ पर गिल्स भी अपर कुलम से प्रोटेक्ट हो रहा है, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस में अपर कुलम नहीं पाया जाता था। इसके अलावा बच्चों ऑस्टिक थाइस का जो स्किन है, स्केल्स है जो, वह सॉफ्ट है, दैट इज सेड टू बी एज साइक्लोइड स्केल और टिनोइड स्केल, साइक्लोइड या टिनोइड स्केल कहा जाता है। यह ऑस्टिक थाइस होते हैं जो कि बोनी फिश होते हैं बच्चों। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सुपर क्लासेस, सुपर क्लास फिशेस, in which two classes we have seen, that is chondric thighs and ostic thighs. Now come to the tetrapoda. Tetrapoda में हम लोगों ने जो है और बात किया था जो है चार अलग अलग क्लासेस की बच्चों, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया, इन चारों को भी हम लोग को आज ही रिवाइज करना है। एम्फीबियंस, एज यू नो एम्फी मीन्स मिक्स, बायो मीन्स लाइफ, तो ऐसी लाइफ जो कि दोनों ही हैबिटेट में पाई जाती हो, जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन में सरवाइव कर सकते हो, जो स्किन से, लंग से, गिल से, हर तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हो, दैट इज द फैमिली और फाइलम ऑफ फ्रॉग, इनफैक्ट दैट इज एम्फीबिया। ये देखिए ये क्लास एम्फीबिया, यहाँ पर दो नए कैरेक्टर्स अलग से आते हैं बच्चों। पहली बार टिम्पेनम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा, दैट इज ईयर ड्रम, पहली बार यहाँ पर ओरिजिनेट होता है क्लास एम्फीबिया में, एंड एम्फीबियंस, एंड पहली बार आईलिड्स भी अराइज होता है क्लास एम्फीबिया में। तो आईलिड्स और टिम्पेनम पहली बार अराइज होते हैं इस क्लास में, एंड पीसेस तो टू चैम्बर्ड हर्ट वाले थे लेकिन ये थ्री चैम्बर्ड हर्ट है, दो आर्किल और एक वेंट्रिकल इसमें पाया जाता है बच्चों फ्रॉग में, बेसिकली एम्फीबियंस में, और यह लंग्स और गिल्स दोनों पाए जाने के कारण यह दोनों ही हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। इनके बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में खुलता है बच्चों, जिसको बोलते हैं क्लोएका या क्लोएकल चैम्बर। समर में और विंटर में ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन यानी कि इनएक्टिवेशन में चले जाते हैं, जमीन के भीतर इनएक्टिव हो जाते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, और रेनी सीजन में एक्टिव होते हैं। इसमें एक लिम्बलेस एम्फीबियन का भी एग्जाम्पल पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो याद कर लें, नोट कर लें आप, लिम्बलेस एम्फीबियन इज इक्टियोफिश, इक्टियोफिश, इक्टियोफिश इज लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्ब नहीं पाया जाता है।
और देख रहे हैं आप, मेनी एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मीनिंग दे बीइंग लाइफ इन द वाटर एंड लिव ऑन द लैंड एज एडल्ट. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस क्रिएचर इंक्लूड मॉइस्ट स्केललेस स्किन एंड द फैक्ट दैट दे आर कोल्ड ब्लडेड. ध्यान दीजिएगा, पोइक्लोथर्मस, अभी भी ये पोइक्लोथर्मस होते हैं, फिशेस भी पोइक्लोथर्मस थे, एम्फीबियंस भी पोइक्लोथर्मस, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के हिसाब से इनका टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, यहाँ पर ब्लड रेगुलेट नहीं करता है बॉडी के टेम्परेचर को. एम्फीबियंस एब्जॉर्ब वाटर एंड अंडरगोज गैस एक्सचेंज थ्रू देयर स्किन, या स्किन के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पर सेलामेंडर, टोड भी एक एग्जाम्पल है बच्चों. टोड और फ्रॉग में कई बार अंतर पूछा जाता है, तो आप जानते भी होंगे कि फ्रॉग की सॉफ्ट स्किन है जबकि टोड की जो है हार्ड स्किन होती है. टोड पॉइजनस भी होते हैं जबकि फ्रॉग पॉइजनस नहीं होते हैं, तो यह अंतर है इसके अंदर. और इनके अंदर जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, टैडपोल लार्वा बनता है फ्रॉग के अंदर, एक लार्वल स्टेज आता है, दैट इज वेल नोन एज टैडपोल लार्वा. तो एम्फीबिया और एम्फीबिया की कैरेक्टर्स के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एडल्ट्स में टू पेयर्स ऑफ लेग्स, टू फोर लिम्स एंड टू हाइंड लिम्स. एक लिम्बलेस एम्फीबियन के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इक्टियोफिस, जो कि लिम्बलेस एम्फीबियन है. बाकी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं फ्रॉग, टोड और सेलामेंडर. ओके, नाउ कम टू द अनदर क्लास, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ टेट्रापोडा, दैट इज रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया. चिल्ड्रन रेप्टाइल्स आर द क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स एंड क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स एंड कंक्लूडिंग वेरी वेरी डेंजरस एनिमल्स लाइक कोबरा स्नेक्स एंड ऑल द स्नेक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स एंड सो मेनी क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स विच आर डेंजरस, हैविंग पॉइजनस ग्लैंड्स inside their skin or inside their mouth. So here see the characteristic of reptilia again. These are the creeping and burrowing terrestrial animals, vertebrates in fact. इनके पास scales होते हैं. They are cold-blooded animals. Still देखिए बच्चों, अभी भी cold-blooded animals चल रहे हैं और इन skin इनका dry है, rough है, कोई gland नहीं है skin में. Body इनकी head, neck, trunk और tail में divided होती है. Strong bony skeleton है इनका. वेल डेवलप्ड लंग्स, मोस्ट हैव टू पेयर्स ऑफ लेग्स. देखिए टू पेयर्स ऑफ लेग्स यहाँ पर भी है, दो फोर लिम्स और दो हाइंड लिम्स, लेकिन स्नेक्स आर लिम्बलेस. स्नेक्स लिम्बलेस होते हैं बच्चों, यह इवोल्यूशन की पार्ट है. यहाँ पर डार्विनिज्म और लैमार्किज्म जब आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में, तब आप देखेंगे कि स्नेक्स जो है लिम्बलेस होते हैं. इसके लिए क्या क्या मत दिए गए, क्या क्या थ्योरीज दिए गए, अभी आपको यह समझ लेना है कि स्नेक्स आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स बट अदर आर हैविंग टू पेयर्स ऑफ लेग्स विच इज टू फोर लिम्स आगे वाले पैर और दो हाइंड लिम्स पीछे वाले पैर. ओके, टोज में क्लॉज पाए जाते हैं. आप जानते हैं लिजार्ड जो है वैक्यूम क्रिएट करके दीवार के ऊपर भी, सीलिंग्स के ऊपर भी चलता है जो है लिजार्ड, तो उस समय में जो है वो वैक्यूम क्रिएट कर देता है क्लॉज के थ्रू, जिनको डिजिट या क्लब्स बोलते हैं. पैडी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके फिंगर्स के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर, जिसके थ्रू वह वैक्यूम क्रिएट करके सीलिंग्स पर भी चल लेते हैं. ओके, एंड देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कैन कंजर्व वाटर आल्सो. तो रेप्टाइल्स बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, इनके अंदर स्नेक्स, एलिगेटर्स ये सब आते हैं, टेट्रापोडा है या एमनियाटिक एग है, के ऊपर एक कैविटी फ्लूइड है जो कि कैविटी का रूप ले लेता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है. और क्लास रेप्टिलिया जो है बच्चों, इनका रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू ही होता है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के थ्रू नहीं. लंग्स और गिल्स दोनों के थ्रू रेस्पिरेशन केवल क्लास एम्फीबिया में होता था. देयर आर 17 ऑर्डर्स ऑफ रेप्टाइल्स हैव बीन रिपोर्टेड, फोर लिविंग ऑर्डर्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड नाजा द कोबरा, रसिल पाइपर, द वाइपर स्नेक, हेमीडेक्टिलस, द लिजार्ड, दीज आर द डेंजरस स्पीशीज ऑफ क्लास रेप्टिलिया. So here you are seeing the lizard and this one is cobra, naza and this one is viper snake, Russell viper. Now come to discuss the another important class of tetrapoda, that is class apes. अब हम लोग apes को देखेंगे बच्चों, पक्षी वर्ग, family of birds. यहाँ पर जानते हैं birds के अंदर flighting mechanism और perching mechanism पाया जाता है. इनका four limbs are modified into wings, hollow and flexible bones they are having. और लाइट इन वेट, दे आर लाइट इन वेट,
बहुत हल्के वेट के होते हैं। दीज आर द एडाप्टिव फीचर फॉर द फ्लाइटिंग मैकेनिज्म। फ्लाइटिंग मैकेनिज्म के लिए ये सब एडाप्टिव फीचर्स होते हैं कि दे आर लाइट इन वेट, बोन्स आर फ्लेक्सिबल, बोन्स आर हॉलो एंड बॉडी इज बोट शेप्ड टू मेक द स्ट्रीम लाइन इन एयर करेंट। दीज आर द एडाप्टेशन फॉर द फ्लाइटिंग मैकेनिज्म इन एप्स। चिल्ड्रेन, एप्स हैव आल्सो अनदर मैकेनिज्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, पर्चिंग मैकेनिज्म। इनके अंदर एक पर्चिंग मैकेनिज्म पाया जाता है जिसके थ्रू ये किसी पर्च को या किसी वायर को या किसी पेड़ की ब्रांच को पकड़ कर जो है, और दे कैन स्लीप आल्सो, लेकिन वो खुलेगा नहीं, वो कभी खुलेगा जब ये चाहेंगे। दैट इज स्पेशल मैकेनिज्म वेरी वेल नोन एज पर्चिंग मैकेनिज्म। वे अपने क्लॉज से वायर को देखते भी होंगे आप, या पतले ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं। एंड इवन दे कैन स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज द पर्चिंग मैकेनिज्म। एंड दे हैव स्पेशल कैपेबिलिटी टू बिल्ड द नेस्ट आल्सो। घोंसला बनाने का जो कैपेबिलिटी होता है, या भी बर्ड्स के अंदर एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है बच्चों, दैट इज टू बिल्ड देयर नेस्ट। सो नाउ कम टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लास एप्स। स्पिंडल शेप्ड बॉडी विद फोर डिविजन्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग, यानी कि फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। यह पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोर चैम्बर्ड हेड, पहली बार कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हेड आएगा बच्चों। रेप्टाइल्स में हम लोगों ने क्रोकोडाइल में जरूर देखा कि एक फाल्स सेप्टम बन जाता है वेंट्रिकल्स के बीच में, जिसे फोर चैम्बर्ड हेड रेप्टाइल्स को बोलते हैं हम लोग क्रोकोडाइल के केस में। लेकिन यहाँ पर जो है बर्ड्स के केस में कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हेड होंगे एंड दे आर फर्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल। अभी तक हम लोगों ने पीसेज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पीसेज एम्फीबिया और रेप्टिलिया तीनों में ही देखा कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वाइक्लोथर्मस, और जबकि एप्स आर द फर्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर एडाप्टेशन पाया जाता है फ्लाइटिंग के लिए, फेदर्स या विंग्स पाए जाते हैं, एंडोथर्मिक है, हाई मेटाबॉलिक रेट है इनका, वर्टिब्रल कॉलम मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, उड़ने जैसा उड़ने के लिए फ्लाइटिंग मैकेनिज्म के लिए एडाप्टेशन होता है। या न्यूमरस ईयर्स स्पेसेस दे आर हैविंग, दे हैव 9 ईयर सैक्स। अगर हम पिजन की बात करें, कोलंबा लिबिया दैट इज कबूतर पिजन, तो पिजन है, पिजन्स हैव 9 ईयर सैक्स दैट इज 9 लंग्स इन फैक्ट, एंड हॉर्नबिल बीक होता है इनके अंदर, इन फैक्ट लैक टीथ नहीं होता, बीक होता है। इसीलिए जब आप 10th क्लास में इवोल्यूशन में आर्कियोप्टेरिक्स का एग्जांपल देख रहे थे, तो आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर टूथ और बीक दोनों ही पाए जाते हैं, टूथ और बीक दोनों ही। दैट्स व्हाई आर्कियोप्टेरिक्स आर कंसीडर्ड एज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स। एंड दे ले एमनियोटिक एग, इनके अंदर एप्स के अंदर जो है जो फ्लाइटिंग मैकेनिज्म में आपको मैंने पहले ही बताया कि दे आर लाइट इन वेट, दे हैव फ्लेक्सिबल एंड हॉलो बोन, एंड दे हैव मोर देन 2 एयर सैक्स, यूजुअली 8, 9, 10 एयर सैक्स टू फिल द एयर इनसाइड देयर एयर सैक्स। दे आर लाइट इन वेट, देयर बॉडी इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट टू प्रोपेल एयर एंड मूव टूवर्ड्स आउटसाइड इन द एयर टू मेक द स्ट्रीम लाइन, इन फैक्ट स्ट्रीम लाइन करेंट मेंटेन करने के लिए बॉडी डिजाइंड होती है। तो यह क्लास एप्स के जनरल कैरेक्टर्स हैं बच्चों, जो आप देख रहे हैं। हाई मेटाबॉलिज्म होता है इसमें और यह ओविपेरस होते हैं एप्स। देख रहे हैं यहाँ पर पैरट, साइंटिफिक नेम सीटाकुला, और यहाँ पर देखिए ये पिजन, साइंटिफिक नेम कोलंबा लिबिया, और क्रो, साइंटिफिक नेम कार्वस। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे डेवलप्ड टेट्रापोड्स की बच्चों, जो कि मैमल्स, क्लास मैमेलिया। इनफैक्ट मैमल्स की बात करेंगे जो सबसे डेवलप्ड क्लास है वर्टिब्रेट्स का, दैट इज क्लास मैमेलिया। माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, दे हैव मैमिलरी ग्लैंड्स, मैमिलरी ग्लैंड्स इन विच मिल्क इज फॉर्म, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। देयर बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स, बॉडी हेयर से कवर्ड रहता है, मोस्ट डेवलप्ड है ये। इनके अंदर पेरेंटल केयर हाई लेवल पर पाया जाता है मैमल्स के अंदर। सो लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। द प्रेजेंस ऑफ हेयर आर फर, स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, अभी तक पीछे ग्लैंड नहीं था। ग्लैंड स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस मिल्क दैट इज मेमेरी ग्लैंड्स, उसको मेमेरी ग्लैंड्स या मेमिलरी ग्लैंड कहा जाता है बच्चों। मिडिल ईयर बोन्स होते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप जानते हैं मिडिल ईयर बोन्स को ईयर ऑस्किल्स कहा जाता है। तीन बोन होते हैं मैलियस, इंकस और स्टिरप। तो यह तीनों बोन जो होते हैं मिडिल ईयर के बोन्स होते हैं या मेमेलिया के कैरेक्टर देख रहे हैं। स्पेशलाइज्ड टीथ पाए जाते हैं,
एक्टोडोंट होते हैं, एक्टोडोंट अलग अलग डिजाइन के टीथ होते हैं हमारे अंदर, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर, जो अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और फोर चैम्बर्ड हर्ट तो एप से ही कम्प्लीटली आ गए थे, तो मैमल्स आर ऑल्सो फोर कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हर्ट एंड दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बच्चों, लेकिन अब यह मैमल्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं तीन भागों में, जिनको बोलते हैं प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोथीरियंस जो है वह मेमेरी ग्लैंड तो पाया जाता है, बट प्रोथीरियंस आर ओविपेरस, ध्यान दीजिएगा, प्रोथीरियंस ओविपेरस होते हैं। और एग्जांपल एकेडना और प्लेटिपस होता है, जबकि मेटाथीरियंस कंगारू का परिवार जो मैक्रोपस, जिसमें कि पेट के बाहर एक थैला पाया जाता है, दैट इज वेल नोन एज मार्सुपिया, इन विच दे जस्ट सो द पेरेंटल केयर आफ्टर द बर्थ ऑफ इमेच्योर बेबीज, इमेच्योर बेबीज का बर्थ के बाद वो पेरेंटल केयर करते हैं इनसाइड द एक्सटर्नल पाउच अटैच्ड विद देयर एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज वेल नोन एज मार्सुपिया एंड दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज मार्सुपियल्स। इसीलिए मेटाथेरियंस कंगारू के परिवार को मार्सुपियल्स भी कहा जाता है बच्चों। और फिर आया था यूथीरिया, जहां पर वेल डेवलप्ड मैमल्स को हम लोगों ने देखा था, जहां पर वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर होता है और कंप्लीटली फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस को जन्म देते हैं। तो देख रहे हैं आप, फोर चैम्बर्ड हर्ट, हेयर आर फॉर डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग, डायफ्राम होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के लिए। अगर एकीटा और प्रेटिपस है तो एमनियोटिक एग है, मेमोरी ग्लैंड्स एंड नर्सिंग के लिए एक्सटेंसिव पोस्टनेटल केयर, पेरेंटल केयर मैक्सिमम होता है यहाँ पर, और रीजनिंग लेवल ऑफ बिहेवियर होता है, प्लानिंग करने की कैपेसिटी होती है, ब्रेन सबसे अधिक डेवलप्ड होता है मैमल्स का, मैमेलियंस का, जिसमें कि प्लानिंग करने की कैपेसिटी आ जाती है और इसीलिए हम कोई भी चीज योजना बनाकर कर पाते हैं बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पर कि हम लोग इस तरीके से आज वर्टिब्रेट्स को भी कवर कर लिया, तो इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों ही हम लोग कवर होता चला जा रहा है ये दो क्लास में। और अगले दो क्लास बच्चों ध्यान रखिएगा, एक क्लास में मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट और अगले क्लास में एनिमल टिश्यू हम लोग को कवर करना है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी पहले से बना के रखिएगा ताकि चीजें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। अगर पहले से आप पढ़े रहेंगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी बच्चों। देख रहे हैं यहाँ पर मैमेलिया का कैरेक्टर, मैमल्स हैव मैमेरी ग्लैंड्स, मैमल्स आर एंडोथर्मिक, मैमल्स हैव हेयर्स, वेल डेवलप्ड ब्रेन, वेल डेवलप्ड ब्रेन होने की वजह से जो है यह अन्य वर्टिब्रेट से डिफर हो जाते हैं मैमल, क्योंकि यहाँ पर जो है वेल डेवलप्ड ब्रेन होने की वजह से कैपेसिटी आ जाती है प्लानिंग करने के लिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेट्रापोड्स। हम लोगों ने बच्चों दिखाया, एक हल्का सा अगर रिकैप्चुलेट करूं मैं, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है नेटोस्टोमेट्स, यानी जिसमें कि जॉस पाए जाते हैं, जबड़ा पाया जाता है, उनको लिम्स के बेसिस पर दो ग्रुप में बांटा गया, दैट इज एपोडा एंड टेट्रापोडा। एपोडा जहाँ पर लिम्बलेस थे और उनके अंदर सुपर क्लास पीसेज आता है, सुपर क्लास पीसेज को दो क्लासेस में कॉन्ट्रिक्टाइज और ऑस्टिक्टाइज में बांटा गया बच्चों। कॉन्ट्रिक्टाइज कार्टिलेजिनस स्केलेटन था, गिल्स अपर कोलम के बगैर था और एयर ब्लैडर्स भी नहीं पाए जाते थे, स्केल्स हार्ड थे, प्लेक्वाइड थे एंड दे आर नॉट एडिबल आल्सो। टर्पिडो, ट्राइगॉन, स्कोलियोडॉन इसके एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था। जबकि बोनी फिशेज जो ऑस्टिक्टाइज थे, उनका स्केलेटन सिस्टम बोनी है और इसके अलावा उनके अंदर जो है गिल्स अपर कोलम के थ्रू प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं, स्केल्स उनके सॉफ्ट है, टिनोइड या साइक्लोइड स्केल कहा जाता है। वह मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही हैबिटेट में पाए जाते हैं और वह खाए भी जाते हैं, एडिबल भी होते हैं। मेरीन बोनी फिशेस के एग्जांपल हैं हिल्सा, सर्डाइन और प्रॉफरेट, जबकि बोनी फ्रेश वाटर एडिबल बोनी फिशेस के एग्जांपल हैं रोहू, कतला एंड मांगूर। तो बच्चों पीसेस, सुपर क्लास पीसेस के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते थे, जबकि सुपर क्लास पीसेस में हम लोगों ने देखा था यूनिडायरेक्शनल ब्लड का सर्कुलेशन होता था, बिकॉज दे आर टू चैम्बर्ड हर्ट, देयर हैव बीन ओनली टू चैम्बर्ड हर्ट। बट इन एम्फीबियंस देन वी हैव सीन द थ्री चैम्बर्ड हर्ट, दैट इज टू आर किल एंड वन वेंट्रिकल। और एम्फीबिया यानी कि दोनों ही हैबिटेट में सर्वाइव करने वाले, लंग्स और गिल्स दोनों से रेस्पिरेशन करने वाले, इवन के स्किन के थ्रू भी डिफ्यूजन करते हैं एम्फीबियंस, और यह जो है दोनों ही हैबिटेट में पाए जाते हैं, फैमिली ऑफ फ्रॉग इनफैक्ट। और हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल आईलिड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टिम्पैनम, दैट इज द ईयर ड्रम,
are arised in class amphibia. They show the inactivation, that is hibernation and estivation, during extreme winter and summer, and during rainy season they just become activated. Okay children, for reproduction. So these are the special feature class amphibia. They are having two pairs of limbs, two fore limbs and two hind limbs, but ichthyophis is the example of limbless amphibian. And one more thing I have told you, that amphibians show indirect development, that is development through the larval stage, and their larval stage is named as tadpole larva. Usko tadpole larva kaha jata hai bachcho. Sexes to separate hai, lekin dhyan dijiyega, fertilization external hota hai female ke body ke bahar. Copulation hota hai, male aur female frog copulation karte hain, lekin uske baad female frog egg ko lay kar deti hai aur male usko egg ko fuse karta hai external body ke bahar. That's why I said that external fertilization takes place and development indirect. Fir hum logon ne amphibia ke baad reptiles ko dekha bachcho. Reptiles jahan par poisonous gland paaye jaate hain mouth mein ya skin mein, aur lizard, cobra, snake, तमाम स्नेक्स इसके अंदर आते हैं जो है, या क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स का परिवार है, रेंगने वाले वर्टिब्रेट्स एनिमल्स रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं. क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स को ही रेप्टाइल्स कहा जाता है बच्चों. ये मोल्टिंग पहली बार यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, स्किन को छोड़ने वाली बात, दैट इज मोल्टिंग. ओविपेरस होते हैं, एमनियोटिक एग है यहाँ पर रेप्टाइल्स के अंदर. और स्नेक्स जो हमारे माइथोलॉजी से भी जुड़े होने की वजह से स्नेक्स में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चों, लेकिन यह केवल कहानियों तक ही, इसकी कुछ बातें जो है वह केवल कहानियों तक ही सीमित है. जबकि बायोलॉजी के हिसाब से आप समझेंगे तो स्नेक्स नेवर टेक मिल्क, दे डोंट लिसन एनीथिंग, दे जस्ट फील द वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस, दैट इज स्किन. दे जस्ट फील द पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस. Okay children, and they don't have any camera, and they never take the revenge. These are the just the part of story and movies only, but they never take revenge and they don't have any camera also. Okay my dear kids, and after reptiles we have seen the class apes. In class apes we have seen the perching mechanism, the flighting mechanism, so many adaptation there are for flighting mechanism, like their body is light in weight. They have hollow and flexible bone. They have more than two air sacs, and their body is designed in such a way that they maintain streamlined current in air. And they have the capability to build the nest also. And they navigate. They navigate through the pheromones, children. Birds mein pheromones exocrine gland secrete karte hain. जिसके थ्रू वो नेविगेशन का भी काम कर रहे होते हैं. आपने देखा भी है माइग्रेटरी बर्ड्स किस तरीके से जो है साइबेरियन क्रेन वगैरह अपने पर्टिकुलर कंट्री से यहाँ पर इंडिया में आते हैं, और पर्टिकुलर मौसम में टाइम पर ब्रीडिंग करने के लिए, और फिर अपने देश वापस चले जाते हैं. वो नेविगेशन करने के लिए फेरोमोन्स का सहारा लेते हैं. तो दीज आर द स्पेशल फीचर ऑफ क्लास एप्स, एंड देन वी हैव सीन द लास्ट and the most developed vertebrates, that is class mammalia. Mammals, they have the mammary glands to feed their babies with milk. Mata apne bacche ko dudh pilati hai through the mammary glands, and the body is covered through the hair. They are endothermic, they are warm blooded animal, and heart is completely four chambered, two archial and two ventricle. Respiration through lungs, and they show the maximum parental care. So children, and I have told you that class mammalia are further divided into Prototheria, Eutheria and Metatheria. So these are the subclasses and infraclasses. I have told you the vertebrates and characteristics. Ek baar hum log isko pura comparative study kar liya jaye. Fishes, scales paaye jaate hain, water mein hain, live karte hain. Cold blooded animals hain, egg lay karte hain, gills paaya jata hai. एम्फीबियन में स्मूथ स्किन है, वाटर और लैंड दोनों जगह पे रह सकते हैं. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, एग ले करते हैं, ओविपेरस हैं. रेप्टाइल्स स्केल्स पाए जाते हैं, ओविपेरस हैं, अभी भी कोल्ड ब्लडेड हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है. जबकि बर्ड्स में फेदर पाए जाते हैं, वार्म ब्लडेड, फर्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ले एग एंड लंग्स पाए जाते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट डेवलप्ड मैमल्स, दे हैव हेयर्स, आर फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स,
live birth. They are the most developed mammals are viviparous, in fact, and they have lungs for the respiration. So, my dear kids, in this way we have finished the fourth chapter, Kingdom Animalia. Tomorrow, in the next class, we shall start morphology of flowering plants. So, be prepared for the morphology of flowering plant. Thank you very much.